नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सिक्स की हिंदी। क्लास सिक्स की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी क्लास सिक्स की वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग एक का चैप्टर नादान दोस्त। तो जो ये हमारा पाठ है नादान दोस्त, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं इस पाठ के बारे में। और अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस पाठ का नाम नादान दोस्त क्यों रखा गया है, क्योंकि आपने देखा कि दोनों जो छोटे बच्चे हैं वो करना तो अपनी तरफ से भला चाहते हैं चिड़िया के लिए। वो हर तरफ से चिड़िया का भला सोच रहे हैं, वो हर तरफ से चिड़िया की हेल्प करना चाहते हैं, चिड़िया के बच्चों को खाना देना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं। चिड़िया चाहते हैं कि चिड़िया ज्यादा दूर ना जाए, अपने बच्चों के ही आसपास रहे और अच्छी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करे। लेकिन इन सब चीजों में क्या हो जाता है अंत में, कैसे उनके ये बिना सोचे समझे किए जाने वाला काम किस तरह से बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है एंड में, वो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो चैप्टर देखिए, आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है पाठ हमें देने वाला है। तो हमने देखा किस तरह से लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि केशव ने जो हमने पढ़ा था कि उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरह से पानी देना है, किस तरह से दाना देना है, किस तरह से उसकी छत बनानी है, किस तरह से एक तरह से उनको शेड देना है, छाया देनी है। और ऊपर से उसने जब ये सारी प्लानिंग शुरू की तो उस प्लानिंग के लिए उसने क्या क्या किया वो भी हमने पढ़ा कि किस तरह से, क्योंकि वो कार्निस पर था, आप देख सकते हैं ये खिड़की है और ये खिड़की के ऊपर, तो उसके ऊपर ये चिड़िया ने यहाँ पर अंडे दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मशक्कतों के बाद, कितनी ज्यादा कोशिशों के बाद जो है केशव स्टूल लेकर आया है, और उस स्टूल को जब उसने लगाया तो वो कार्निस तक नहीं पहुंच पाया। फिर वो बाथरूम में जो एक तरह से नहाने का जो एक तरह से बैठने के लिए जो स्टूल होता है बाथरूम में, वो लेकर आया और वहां पर उसको लगाकर उसके ऊपर उसने स्टूल लगाया। और स्टूल पर चढ़कर अब वो अपनी सारी जो एक तरह से योजना उसने बनाई है, उस योजना को अंजाम दे रहा है, यानी कि चिड़िया की मदद करने की पूरी तैयारी यहाँ पर वो दोनों कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब केशव तो चढ़ चुका है, वो देख रहा है, वो कर रहा है सारे तैयारियां, अब श्यामा नीचे से बार बार कहती है कि भैया मुझे भी दिखा दो, भैया मुझे भी दिखा दो, भैया मुझे भी दिखा दो। तो केशव क्योंकि इस तरह से उस टाइम पे दर्शाता है जैसे कि वो एक बहुत बड़े मिशन पर है और बहुत बड़ा काम कर रहा है, और जब वो अपने काम को अंजाम दे चुका होता है तो वो नीचे उतर जाता है। और श्यामा रोती रह जाती है, कहती रह जाती है कि भैया मुझे भी आप चिड़िया के अंडे दिखा दो। तो इस तरह से अब माँ वापस आ चुकी है, बाहर आ चुकी है, माँ ने दोनों को देख लिया है, अंदर ले जाती है और माँ कहती है कि दरवाजा किसने खोला। तो श्यामा केशव जो है थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि दरवाजा केशव ने खोला होता है, केशव थोड़ा सा डर जाता है और श्यामा भी चुप रहती है। दो रीजन है चुप रहने के। पहला रीजन है कि वो अपने भाई से प्रेम करती है, उसे पता है अगर बता दिया जाएगा कि भाई ने खोला है तो वो पिट जाएगा, और दूसरा अगर उसने बता दिया तो फिर भाई उसका भी नाम लेगा, क्योंकि उसने भी पूरी पूरी मदद की है उसकी सारी कार्यवाही में, उसके सारे काम में। तो इस तरह से श्यामा यहाँ पर चुप हो जाती है और माँ उन दोनों को पंखा झलने लगी। आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती है तो इस तरह से हाथ वाला फैन होता है ना, हाथ वाला पंखा, जिसको इस तरह से झलकर इस तरह से ऐसे हिलाकर उसको हवा की जाती है, ठीक है। तो अब माँ ने दोनों बच्चों को डांट टपट कर कमरे में बंद कर दिया, फिर से कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। और सिर्फ अभी 2 ही बजे थे, यानी कि यह बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, ये 2 बजे का समय था। तो बाहर बहुत तेज लू चल रही थी, बहुत तेज धूप हो रही थी, और जब दोनों बच्चों को नींद आ गई। दोनों बच्चे संतुष्टि भी थी कि उन्होंने चिड़िया की हेल्प की है, उन्होंने चिड़िया की मदद की है, लेकिन क्या
निष्कर्ष निकलेगा इस मदद का? क्या निष्कर्ष निकलेगा उनकी इस नादानी का जो उन्होंने बिना सोचे समझे की है, बिना किसी से डिस्कस किए की है, बिना विचार किए की है? तो देखिए आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अब शाम के 3 बजे का समय है, तीसरा पहर एक तरह से कह सकते हैं, शाम के 3 बजे का समय है, 4 बजे का समय है, एकाएक श्यामा की नींद खुल गई अचानक जो है, क्योंकि 2 घंटे सो चुके थे बच्चे और 4 बजे के समय में श्यामा की नींद खुल गई। श्यामा यानी कि जो छोटी बच्ची है, किवाड़ खुले हुए थे, उसने देखा कि किवाड़ खुले हुए हैं, यानी कि जो दरवाजे हैं वो खुले हैं, यानी कि माँ जग चुकी है। इसका मतलब है कि माँ जग चुकी है। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई, वो दौड़ी बहुत तेज दौड़ी, क्योंकि उसको तो बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत उत्साहित थी वो उन चिड़िया के अंडों को देखने के लिए, उन चिड़िया के बच्चों को देखने के लिए, उस चिड़िया के घोंसले को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। तो वो दौड़कर कार्निस के पास आई और उसने क्या देखा, ऊपर की तरफ जब उसने ताका, कार्निस की तरफ जब उसने ताका तो टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई, उसने देखा टोकरी तो कहीं आसपास तक थी ही नहीं, दूर दूर तक जो ऊपर से शेड करा हुआ था ना उन बच्चों ने इस तरह से टोकरी का, मैंने आपको चित्र में भी दिखाया था, तो इस तरह से शेड जो उन्होंने किया था वो टोकरी का तो आसपास कुछ पता ही नहीं था। और जब संयोग बस उसकी नजर नीचे फर्श पर, जमीन पर उसकी जब नजर पड़ी तो वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। अब देखिए छोटी सी बच्ची है, उसे इतना ज्यादा पता नहीं है, तो वो कहती है कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं, अब क्या हुआ उन अंडों के साथ, क्या हुआ उन अंडों के साथ। तो देखिए हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें चित्र में देख ली थी कि किस तरह से दोनों बच्चों ने अंडों की हिफाजत के लिए बहुत सारी चीजें वहां पर कर रखी थी, पानी रखा हुआ था, दाना रखा हुआ था और उसके नीचे अब उन्होंने एक गद्दीदार कपड़ा भी रख दिया था ताकि अंडों को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, बच्चों को वो तिनके ना चुभे, जब उसमें से बच्चे निकलेंगे अंडे में से तो बच्चों को वो तिनके ना चुभे, इसके लिए उन्होंने एक कपड़े को फोल्ड करके एक अच्छी सी गद्दी वहां पर बनाकर रख दी थी। लेकिन क्या हुआ अंडों के साथ, देखिए इस तरह की टोकरी उन्होंने बनाई थी शेड करने के लिए ताकि जब अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो फिर क्या होगा, उन बच्चों को धूप नहीं लगेगी, बच्चे धूप से बचे रहेंगे। और इसके लिए भी बहुत सारी तरकीबें की थी केशव ने, तो एक तरह से बच्चों ने बहुत तरह तरह से चिड़िया की मदद करने की कोशिश की, चिड़िया के लिए दाना रखा, चिड़िया के लिए पानी रखा, चिड़िया के लिए गद्दा बनाया, चिड़िया के लिए घोंसला जो ऊपर से शेड था वो रखा चिड़िया के घोंसले के ऊपर, और ये सारी चीजें चिड़िया बैठे बैठे देख रही थी, ये सारी चीजें चिड़िया बैठे बैठे देख रही थी दूर से। तो ये इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि श्यामा दबे पांव, उल्टे पांव वापस आई और भैया को बोली कि भैया अंडे जमीन पर पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अंडे फूटे और बच्चे तुरंत उड़ जाए? यस, किसी को भी नहीं लगता, क्योंकि जब वो अंडे में से निकलेंगे तो उसके बाद धीरे 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 वो बड़े होंगे, धीरे धीरे उनके पंख निकलेंगे, धीरे धीरे उनके फैदर्स, उनके विंग्स निकलेंगे, थोड़ा 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 करके उनके जो हेयर्स हैं वो निकलेंगे, उसके बाद वो। तो ऐसा क्या हुआ कि चिड़िया के अंडे नीचे गिर गए, क्योंकि चिड़िया जब भी ऐसा होता है कि चिड़िया के अंडों को कोई हाथ से छू लेता है, ये क्यों होता है, चिड़िया के अंडों को जब कोई हाथ से छू लेता है तो चिड़िया फिर उन अंडों को नहीं सेती,
चिड़िया फिर उन अंडों को नहीं सेती। देखिए कितनी बड़ी सीख आपको जीवन में यहाँ पर मिली है, आज के बाद कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। अगर आपको आसपास कोई घोंसला दिखाई देता है तो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवान ने संसार में सबको अगर भेजा है तो उन्हें उनके तरीके से जीना भी सिखाया है, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो कोई जंगली जानवर है, चाहे वो कोई मनुष्य है, या चाहे किसी भी तरह का प्राणी है, उसकी अपनी एक जीवनचर्या होती है, वो अपने तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। तो हमको उनके लिए, हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो केवल इतना कि अपनी घर की छत पर, मैंने बताया था आप लोगों को किस किस ने रखा अपने घर की छत पर एक कटोरी में दाना और एक कटोरी में पानी, किस किस ने रखा अपने घर की छत पर। यस, ये बहुत बड़ा, अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। और दूसरी तरह से आप इस तरह से किसी ऐसे की सेवा कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, किसी ऐसे प्राणी की सेवा कर रहे हैं जिसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों को उसका पुण्य जरूर मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इतनी सारी चीजें नहीं करनी है, इतना ज्यादा उनके लाइफ में, उनकी जीवनचर्या में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है कि वो अपने अंडे खुद ही तोड़ दें। अब देखिए चिड़िया ने क्या किया, अपने तीनों अंडे नीचे फेंक दिए। अब उसके अंडे गंदे हो चुके थे, यानी कि जब केशव ने उसके अंडों पर हाथ लगाया तो चिड़िया के अंडे अब गंदे हो चुके थे और चिड़िया ने अपने अंडे जो है खुद ही नीचे फेंक दिए थे। केशव ने उन्हें हाथ में उठाकर, तो चिड़िया के अंडों को जब छू लेते हैं हाथ से तो चिड़िया फिर उन्हें सेती नहीं है। अगर उन्हें नहीं सेगी तो फिर वो अंडे खराब हो जाएंगे और फिर उनसे बच्चे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से चिड़िया वो अंडे फेंक देती है, उन अंडों को नहीं सेती है। ठीक है, तो यही हुआ था आज उन अंडों के साथ। और वो जो अंडे थे, तो देखिए आज उन अंडों के साथ यही हुआ था, गद्दी में रखने के लिए उन अंडों को अपने हाथ में उठाया तो अब वो चिड़िया के अंडे गंदे हो चुके थे और अब चिड़िया उन्हें से नहीं सकती थी। तो चिड़िया ने क्या किया, वो अंडे खुद बखुद नीचे फेंक दिए और उनमें से पीला सफेद पानी सा निकलने लगा। यानी कि एक तरह से श्यामा ने केशव को बताया कि भैया अंडे नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं। तो केशव को थोड़ा सा तो समझ थी कि इतनी जल्दी बच्चे उड़ नहीं सकते, तो केशव ने बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा घबराया क्योंकि अभी अभी उसने देखा था कि अंडों में से तो बच्चे निकले ही नहीं थे, तो वो इतनी जल्दी कैसे उड़ गए। तो केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने सी कोई सफेद चीज बाहर आ रही है। जो लिक्विड आपने, जो एग तो जरूर देखा होगा, आपने देखा होता है कि उसमें अंदर एक येलो पार्ट होता है और उसके बाहर व्हाइट कलर का एक द्रव होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह का चिड़िया का अंडा भी होता है, उसमें भी अंदर से एक येलो पार्ट होता है और बाहर से एक व्हाइट कलर का लिक्विड होता है। और जब वो अंडे नीचे गिरे तो उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकलने लगी। चूने यानी कि लिक्विड वाली जो चीज है वो बाहर निकलने लगी। अब देखिए बच्चों ने तो सोचा था कि उनमें से बच्चे बाहर निकलेंगे, लेकिन यहाँ तो उनमें से कोई लिक्विड बाहर निकला था और पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी थी। जो पानी की प्याली रखी हुई थी वो भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, केशव बहुत ज्यादा डर गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से उसने जमीन की तरफ देखा तो श्यामा ने कहा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया, क्योंकि वो अभी छोटी है, उसको नहीं पता। तो उसने कहा कि बच्चे कहाँ उड़ गए भैया, उसको लगा कि चिड़िया ने अपने अंडे नीचे फेंक दिए हैं और उसमें से बच्चे उड़कर चले गए हैं। केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण यानी कि दुख भरे स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा फिर से पूछती है, और बच्चे कहाँ गए, क्योंकि उसको अभी भी नहीं ये नहीं पता है कि
उसी से बच्चे निकलते हैं, जो व्हाइट कलर का जो पदार्थ होता है उसी से धीरे धीरे जो है उसमें बच्चा बनता है और फिर वो निकलता है। तो थोड़ा सा समझदार था केशव और वो करुण स्वर में उसने कहा कि अंडे तो फूट गए हैं, लेकिन श्यामा फिर से प्रश्न करती है कि बच्चे कहाँ गए। लेकिन तो केशव को थोड़ा सा गुस्सा आया और वो कहता है तेरे सर में, क्योंकि वो झुंझला गया है और बहुत ज्यादा डर गया है, बहुत सहम गया है, ये एक बहुत बड़ी गलती आज उससे हुई है। वो कहता है देखती नहीं है अंडों में से ये जो उजला उजला पानी निकल आया है, यही तो 3-4 दिनों में बच्चे बन जाते। वो उसे समझाता है कि अंडों में से ये जो सफेद रंग का द्रव निकला है इसी से धीरे धीरे कुछ दिनों में बच्चा बन जाता, और फिर उसके बाद जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता तब वो अंडा फूट जाता और उसके बाद उसमें से बच्चा निकलता। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। अब माँ फिर से वहां पर आ गई और माँ ने हाथ में एक सोटी ले रखी थी और माँ कहती है कि तुम दोनों फिर से वहां धूप में क्या कर रहे हो। अब श्यामा से रहा नहीं गया, इस बार श्यामा से रहा नहीं गया और वो कहती है अम्मा जी चिड़िया के अंडे तो फूटे पड़े हैं। उसने कहा कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे तो फूटे पड़े हैं, माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। क्योंकि माँ, अब देखिए अगर यही बात केशव और श्यामा पहले ही अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर लेते, अपनी मम्मी पापा को बता देते, तो शायद आज वो अंडे नहीं फूटते। उन्होंने अपनी नादानी के कारण जो आज ये गलती की थी, उनकी नादानी के कारण आज जो ये गलती हुई थी इसका मलाल अब उन्हें जीवन भर रहने वाला था। क्योंकि देखिए बचपन की कुछ यादें जो होती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हमें जीवन भर याद रहती है। बचपन के अच्छे बुरे अनुभव हमें जीवन भर याद रहते हैं, तो जिनसे खास तौर पर हमारा दिल से लगाव हो, दिल से जुड़ाव हो, वो चीजें हमें ज्यादा इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर माँ गुस्से में बोली कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। श्यामा, अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस नहीं आया। पहले उसने एक बार अपने भाई को बचा लिया था माँ की डांट से, माँ की मार से, लेकिन अब उनकी उसको बिल्कुल भी अपने भाई पर तरस नहीं आया और उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा। देखिए अभी भी उसकी श्यामा को ये नहीं पता कि अंडों को छुआ नहीं जाता हाथ से, तो वो कहती है कि उसी ने शायद अंडों को कुछ इस तरह से रख दिया होगा कि वो नीचे गिर गए, यानी कि कार्निस पर उसने इस तरह से अंडे रख दिए होंगे कि वो नीचे गिर पड़े। और वो मन ही मन सोचती है कि अब तो भैया को इस बात की सजा मिलनी चाहिए। और फिर अब वो अपनी माँ को बता देती है कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब वो अपनी माँ को बता देती है कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, कि अपने भाई की शिकायत वो माँ को बता देती है। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे, केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। केशव जो है भीगी बिल्ली बना हुआ था और माँ ने कहा लेकिन तू वहां पहुंचा कैसे। माँ ने केशव से पूछा कि तू वहां पहुंचा कैसे, कार्निस तक कैसे पहुंचा। अब श्यामा चुप ना रही, क्योंकि इस बार श्यामा ने जो पहले उसके साथ धोखा किया था केशव ने, उसको अंडे ना दिखाकर उसका और साथ में जो अंडे फूटने का मलाल था उसका, दोनों का ही एक तरह से क्रोध निकाला केशव पर, कहा कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। तो केशव फिर से, अब केशव भी, क्योंकि केशव यहाँ पर चुप रहने वाला नहीं था क्योंकि श्यामा ने भी उसकी पूरी पूरी मदद की थी, तो केशव कहता है कि स्टूल तो तूने ही थामा था। श्यामा ने कहा तुम ही ने तो कहा था, माँ कहती है कि तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है।
जब एक बार अगर चिड़िया के अंडे हम छू लेते हैं तो फिर चिड़िया उन अंडों को नहीं सेती है, क्योंकि वो अंडे गंदे हो जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते माँ से पूछा, फिर श्यामा ने डरते डरते माँ से पूछा कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी, क्योंकि अभी तक वो अपने भाई को एक तरह से अपने भाई को इस बात का एक तरह से बता रही थी कि उसके भाई ने ही कुछ गलत तरीके से अंडे रख दिए होंगे जो वो गिर पड़े। लेकिन अब वो कहती है कि क्या माँ चिड़िया ने खुद अंडे गिरा दिए, तो माँ कहती है और क्या करती, केशव के सर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय तीन जाने ले ली इस दुष्ट ने, तीन अंडे तोड़ दिए थे तो उनकी माँ कहती है कि हाय हाय तीन जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। और माँ को इस बात पर हंसी आ गई, क्योंकि माँ को यहाँ पर फील हुआ कि बच्चे कितना ज्यादा सोचते हैं, बच्चे कितना ज्यादा एक तरह से कोशिश कर रहे थे कि उस चिड़िया की मदद कर पाए, उस चिड़िया की हेल्प कर पाए, तो माँ को अब इस बात पर हंसी आ गई कि वो तो चिड़िया की हेल्प करना चाहता था, ये जानबूझकर उसने नहीं किया, ये उसकी नादानी थी, क्योंकि वो अभी इतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, इतना ज्यादा समझदार नहीं हुआ था, उसको इतने ज्यादा एक्सपीरियंस, इतने ज्यादा अनुभव नहीं थे जीवन के कि वो समझ पाए कि अगर मैं चिड़िया के अंडों को हाथ से उठाकर गद्दी पर रखूंगा तो वो टूट जाएंगे। तो मगर केशव को, अब देखिए माँ ने यहाँ पर केशव को ज्यादा कुछ नहीं कहा, ज्यादा कुछ डांटा नहीं, लेकिन मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने तो उनका सत्यानाश ही कर डाला था। इसे याद करके तो वो कभी कभी रो ही पड़ता था, क्योंकि बच्चों का मन है और बच्चों को उनसे खासा जुड़ाव हो गया था, खासा लगाव हो गया था, एक तरह से रूटीन बन गया था उस कार्निस पर आकर झांकने का, देखने का। लेकिन आज बहुत बड़ी गलती केशव से यहाँ पर हुई थी और ये सोच सोच कर कभी कभी वो रो पड़ता था, और वो दोनों चिड़िया और चीड़े वहां पर फिर कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और आपने देखा कि कितनी अच्छी सीख, इस तरह से देखिए यहाँ पर जब माँ उन दोनों से नाराज हुई और उसके बाद माँ समझ गई कि ये बच्चों की नादानी के कारण ये सब हुआ है, यानी कि उन्होंने बताया कि तुमने अंडों को छूकर नादानी की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आगे से ऐसा कोई काम ना तो आप करेंगे और ना ही किसी को, अगर कोई कर रहा हो तो उसे आप इस तरह के काम करने देंगे। तो केशव अपनी इस नादानी से कभी कभी रो पड़ता था, कभी कभी परेशान हो जाता था। तो देखिए यहाँ पर जो एक तरह से हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए हैं, तो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आपको पाठ से बहुत अच्छी सीख भी मिली है, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस सीख को सुनेंगे, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने एक तरह से अनुच्छेद है, इसको पहले पढ़ना है, उसके बाद जो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद है, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा कि अंडों के हिफाजत करने की जोक में उसने अंडों का सत्यानाश कर दिया, और इस बात को याद करके वो कभी कभी रो पड़ता था। तो देखिए ऑप्शन बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। केशव कभी कभी क्यों रो पड़ता था, तो आंसर आता है पहला, क्योंकि उसे चिड़िया के अंडों से लगाव हो गया था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसके छूने से के कारण ही अंडे टूट गए हैं। यस, अपना माइक ऑन कीजिए बच्चा। यस, अंडे फोड़े, उसने चिड़िया के अंडों पे हाथ लगाया और वो फूट गए, इसीलिए वो दुख में था कि मेरे कारण चिड़िया के अंडे फूट गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको चैप्टर अच्छे से याद हो गया है, चैप्टर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास था कि उसके कारण ही ये अंडे टूटे हैं,
और इस कारण कि वो कुछ अच्छा करना चाहता था लेकिन उससे बुरा हो गया, इस बात को सोचकर कभी कभी वो रो पड़ता था। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, हिफाजत के जोग में सत्यानाश करने का क्या तात्पर्य है? हिफाजत के जोग में सत्यानाश करने का क्या तात्पर्य है? पहला है मदद ना कर पाना, दूसरा है पूरी सुविधाएं न दे पाना, तीसरा है रक्षा करते करते हत्या कर देना, कार्य गलत होने पर पछताना। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? इसका सही ऑप्शन रक्षा करते करते हत्या कर देना, क्योंकि वो तो रक्षा करना चाहता था लेकिन उससे क्या हो गई, उन अंडों की हत्या हो गई। अगला है केशव कई दिनों तक कौन सी बात भूल न पाया? कई दिनों तक अपनी गलती से अंडों के फूटने की बात को वो भूल न पाया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने इस पार्ट से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं और कुछ और यहाँ पर प्रश्न शेष है और आपकी पाठ्य पुस्तिका से जुड़े हुए प्रश्न भी हैं आपके पास, तो आप उनको घर पर सॉल्व करने का प्रयास करें। चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है। कोई भी डाउट होता है किसी प्रश्न को करने में तो जरूर यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में आकर हमसे डिस्कस करें। देखिए पहले क्या करेंगे, पाठ का सार लिखेंगे, पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द लिखेंगे, फिर पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्नोत्तरों में कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। हम मिलेंगे अपने नए सेशन में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।